सो गाइस सिस्को पैकेट ट्रैकर सेवन वर्जन से ऊपर या कोई भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं कंप्लीट ट्रेनिंग यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ बहुत सारे लोगों को कमेंट आया जब मैं सी सी एन ए दो सौ तीन सौ एक की सीरीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ सो so वहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सिस्को पैकेट ट्रैकर के कुछ ऑप्शन को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है सो so मैं यहाँ पर पूरा का पूरा गाइडलाइन लाया हूँ और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सिस्को पैकेट ट्रैकर को चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कम्प्लीट देखने के बाद एंड कुछ इसमें बोनस टिप्स भी मैं बताऊँगा जो कि लास्ट में वीडियो के एडिशनल चीजें होंगी तो वीडियो के अंत तक ज़रूर आप देखेंगे गाइस बात करूँ यहाँ पर बहुत सारे लोगों का स्क्रीन मेरे इंस्टाग्राम पर आया और वहाँ पर उन्होंने बोला कि सर ये चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है इसको पैकेट ट्रैकर में यूज करने में किसी को प्रोजेक्ट सेव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत सारे इशूज़ आए मैंने वहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइन भी दिया उन लोगों को कि कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हो बट हर एक बंदे को वहाँ पर आंसर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने भी सोचा क्यों ना एक सिसको पैकेट ट्रैकर की कंप्लीट गाइडलाइन वीडियो बना दूँ जहाँ पे बंदा सिसको पैकेट ट्रैकर की कंप्लीट ट्रेनिंग ले पाए तो इस ट्रेनिंग में इस पर्टिकुलर वीडियो में कम्प्लीट होने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो सिंपल देखिए यहाँ पे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल सिसको हाउ टू सेट अप सिसको पैकेट ट्रैकर how to use menu and other options how to select devices and design network topology how to select cable connection how to create projects on cisco packet tracker and how to get help so ये इतने सारे पॉइंट्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी डाउट्स होता है तो बेझिझक आप इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लें और वहाँ पे मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि कैसे और किस पर्टिकुलर ऑप्शंस को लेकर प्रॉब्लम हो रही है इसको पैकेट ट्रैकर में देन हम लोग वहाँ पे जरूर फ़िक्स करेंगे अब बात होती है कि चलिए स्टेप बाय स्टेप ये सारे ऑप्शन को मैं करके दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने ब्राउजर पर सो so, ब्राउजर पर आने के बाद आपने लिखना है सिस्को पैकेट ट्रैकर सेवन पॉइंट थ्री डाउनलोड या कोई भी जो भी वर्जन आप चाहो सबसे लेटेस्ट आपका सेवन पॉइंट थ्री है सो so आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इतने सारे लिंक हैं किसी भी लिंक पर आपने सिंपल क्लिक करना है एंड प्रोसेस को फॉलो करना है डाउनलोड का ओके okay? डाउनलोड होने के बाद आपका कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिवलेज पर करेंगे तो काफ़ी जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उनके कम्प्लीट फीचर आपको इनेबल मिल जाते हैं उसके बाद यहाँ पर आपने ओके कर देना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का विंडो पैनल आएगा इस विंडो पैनल में आपको इसके टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स दिया हुआ है कि जो भी हमारा लाइसेंस टर्म्स एग्रीमेंट होता है तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ऐसा आता है तो आपने इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है एंड देन यू कैन सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू इंस्टॉल योर सिस्को पैकेट ट्रैकर सॉफ्टवेयर सो बाई डिफॉल्ट द लोकेशन ऑफ सिस्को पैकेट ट्रैकर सॉफ्टवेयर इज सी प्रोग्राम फाइल सिस्को पैकेट ट्रैकर सो यू कैन सेलेक्ट दिस वन आर यू कैन सेलेक्ट मैनुअली आफ्टर क्लिकिंग ऑन ब्राउज ऑप्शन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे उसको इंस्टॉल करना चाहते हो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन एंड देन सेलेक्ट नेक्स्ट बटन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन एंड इंस्टॉल सो सी यहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलेशन यू हैव टू डू समथिंग लाइक सो गाइज यहाँ पर आपका एक काम हो गया डाउनलोड का और दूसरा स्टेप हो गया इंस्टॉल का अब जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आता है लॉन्च सिस्को पैकेट ट्रैकर ओके आप यहाँ पे फिनिश करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लॉन्च हो जाएगा आप चाहो तो यहीं से कर दो अदरवाइज़ आप इसको अन टिक करके फिनिश कर सकते हैं आफ्टर दैट आपको क्या करना है यहाँ पे क्लिक ऑन सिस्को पैकेट ट्रैकर ओके एंड देन वट इज़ इट तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये एक एरर है बट ये कोई एरर नहीं है ये एक डिफॉल्ट फोल्डर लोकेशन मांग रहा है जहाँ पे ये अपने डेटा का पूरा डेटा सेव करेगा सो कुछ नहीं करना आपको ओके okay कर देना है और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा अगर कहीं आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा सिंपल इस तरीके से एक पैनल आ जाएगा तो इस पैनल पे आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है गेस्ट लॉगिन कर लेना है जैसे ही आप यहाँ पे गेस्ट लॉगिन करेंगे 14 सेकेंड आपको वेट करना है और यहाँ पे आपको लॉगिन पैनल मिल जाएगा अगर मान लिया कि ये चीज़ आप बंद कर दे रहे हो या इंटरनेट कनेक्शन है बार बार इशू हो रहा है तो सिंपल थोड़ी देर के लिए जब तक आपका सिस्टम या सिस्को पैकेट ट्रेकर ऑन नहीं होता तब तक आप इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर दो और आप यहाँ पर जाके इसको यूज़ करो दोबारा से आपको वो लॉगिन करने का ऑप्शन या गेस्ट लॉगिन कोई भी ऑप्शन नहीं मांगेगा देखो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो इसके बाद आपने यहाँ पर यह पूरा पैनल है भाई सबसे ऊपर यहाँ पे देखो आपको मेन्यू बार मिल जाता है यहाँ पे ये यह जो मेन्यू बार है सिंपल आप इसका यूज़ कर सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए तो ये सारी चीज़ें एडिट में कॉपी पेस्ट जैसे कुछ भी आपने सेलेक्ट किया कॉपी पेस्ट कर सकते हो ये सारी चीज़ें ये शॉर्टकट टूल बार है और यहाँ पर क्विक सेलेक्शन भी बोल सकते हैं क्विक सेलेक्शन मेन्यू बार है तो ये सारी चीजें उसके बाद यहां पर लॉजिकल बटन है यहाँ पे फिजिकल बटन है जैसे कोई भी डिवाइस आपने लिया और उसका रैक डिज़ाइन देखना चाहते हो तो फिजिकल बटन पे चेक कर सकते हो टोपोलॉजी डिज़ाइन करने में काफ़ी हेल्प करता है फिर यहाँ पर आपको कुछ पैनल मिल जाते हैं जिसका कोई भी यूज़ नहीं है किससे लॉग इन हो यहाँ पर ये यह बता देता है फिर यहाँ पर कुछ डिवाइसेस मिल जाती हैं तो गाइज यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी छोटे छोटे फॉन्ट्स दिख रहे होंगे सो सबसे पहले आपको क्या करना है ऑप्शंस पे जाना है और प्रेफरेंसेस में जाना है और अपने अकॉर्डिंग सारे फॉन्ट्स एंड डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेना है फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि फॉन्ट की डिज़ाइन थोड़ी सी बड़ी दिखे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो ताकि कमांड्स प्रॉम्प्ट पे जो भी आप टाइप करें वो थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए या जो भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो तो आप इंटर करो तो ये देखो इतना बड़ा बड़ा सा हो गया सो आपको इतना नहीं और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो काफ़ी विजिबिलिटी यहाँ पर हमें मिल जाती है उसके बाद आपने इसको क्लोज़ करना है सॉरी यहाँ पर आना है सी एल आई कमांड लाइन को मैं कर देता हूँ फोर्टीन पर और अप्लाई कर देता हूँ तो ये चीज़ हो गई अब यहाँ पे मैन्यू बार है और ये सारी चीज़ें सो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको आपने सेलेक्ट करना और अपने हिसाब से सेट कर लेना है उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है डिवाइस सिलेक्शन। भाई यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसको आपने सेलेक्ट करना है और यूज़ करना है फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर डिवाइस लेता हूँ राउटर का अब राउटर के यहाँ पर कम सीरीज़ है अगर आपको और भी कुछ एडिशनल चीज़ें चाहिए तो यहाँ पे देखो राउटर और उसके अलावा भी इस पर्टिकुलर पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ एडिशनल राउटर मिलेंगे इसमें मैक्सिमम पोर्ट एडेड होंगे जहाँ पर आपको बहुत सारे पोर्ट ऐड मैन्युअली नहीं करना होगा ऑलरेडी इसमें सारे पोर्ट ऐड होंगे देखो मैंने एक यहाँ से सेलेक्ट किया और एक यहाँ पर बहुत ही बेसिक लेवल पर मैं पूरी गाइडलाइन आपको दूंगा ये भी अट्ठाईस ग्यारह है और ये भी मैं अट्ठाईस सी ग्यारह सीरीज़ का ही राउटर लेता हूँ अब दोनों के पोर्ट को मैं चेक कराता हूँ आपको इस पर मैं गया और यहाँ पर देखो तो पोर्ट आपको ये सब खाली है ओके सो so, जो मैंने फोल्डर के अंदर से लिया था इसके अंदर अगर मैं जाऊँ जैसे बहुत सारे लोग आप लोग कहते हो ना कि पोर्ट नहीं अवेलेबल है ये सारी चीज़ देखो यहाँ पे तमाम पोर्ट अवेलेबल हैं जिसका यूज़ कर सकते हो आप नेटवर्क डिज़ाइन एंड केबल सेलेक्शन के लिए उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से डिवाइस सेलेक्ट करनी है अब मान लिया कि दो राउटर्स हैं इस राउटर को मैं हटा देता हूँ अब मान लिया ये डिवाइस को डिलीट करना है डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर देखो ये क्रॉस बटन है ओके इसको आप सेलेक्ट करो यहाँ पे नो करो अदरवाइज पूरा डिलीट हो जाएगा तो आप जिस डिवाइस पे क्लिक करोगे वो चीज़ डिलीट हो जाएगी ओके तो ये चीज़ हो गया अब आपने क्या क्या सीख लिया सबसे पहले डाउनलोड करना सीख लिया इंस्टॉल करना सीख लिया और इसका सेटअप कैसे करा जाता है वो सीख लिया ओके अब यहाँ पर डिवाइसेज सेलेक्शन भी आपने सीख लिया अब बात होती है कि कौन सी डिवाइस में कौन सी केबल यूज़ करना होगा ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैंने एक स्विच ले लिया ओके एक नहीं दो स्विच ले लिया अब मैं कहोगे कि एक बार मैंने सेलेक्ट किया और दो बार कैसे ले लिया तीन बार चार बार जितने बार भी जाऊँ तो कंट्रोल के साथ जब मैं डिवाइस सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है अगर मैं कंट्रोल के साथ नहीं सेलेक्ट करूंगा तो बस एक बार उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा तो ये चीज़ यहाँ पर मिल जाती है ऐसे ही अगर मैं कंप्यूटर सेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर है आप लैपटॉप ले सकते हो डेस्कटॉप ले सकते हो सर्वर ले सकते हो जैसा भी आपको टोपोलॉजी डिजाइन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं तो ये आपका क्लिक करो यहाँ पे करो कंट्रोल के साथ अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ऐसे आप करते जाओ ये चीज़ हो जाएगी उसके अलावा अगर अब मान लिया कि स्विच और और कंप्यूटर के बीच में कौन सी केबल लगी होनी चाहिए तो ऑलरेडी गाइज मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप केबल कनेक्शन की बात करते हो सो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं एक सिमिलर डिवाइस के लिए होती है और एक डिसिमिलर डिवाइस के लिए होती है गाइज सिमिलर डिवाइस के लिए मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि क्रॉस केबल यूज़ करना होता है और डिसिमिलर डिवाइस के लिए अगर पी टू स्विच है पी टू राउटर है डिफरेंट डिवाइस होनी चाहिए तो आपको स्ट्रेट केबल यूज़ करना है सो so गाइज यहाँ पे केबल सेलेक्शन पे आपको जाना है और इतनी सारी केबल दी हुई हैं जिस केबल पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो वो लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन सी केबल सेलेक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया ये तो अब देखो ये कौन सी केबल है क्रॉस केबल सॉरी ये कंसोल केबल है यहाँ पे आपको रखना है और वो बता देगा इधर देखो इधर ऐसे ऐसे करते हुए तो मान लिया कि हमें पी और स्विच के बीच जो कनेक्शन यूज करना है वो कॉपर स्ट्रेट केबल का यूज करना है तो ये देखिए स्ट्रेट केबल है ओके स्ट्रेट केबल लिया और यहाँ सेलेक्ट किया अब जिस भी पोर्ट से जैसे स्विच हमारा 24 पोर्ट का है और गीगा के दो पोर्ट हैं गीगा मतलब यहाँ पे 1000 हज़ार की स्पीड है और फास्ट इथरनेट से कनेक्ट करेंगे तो स्विच और राउटर के बीच कनेक्शन 100 एम का इस्टेब्लिश होगा तो यहाँ पर आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं अगर सीक्वेंस में करेंगे तो काफ़ी बेटर टोपोलॉजी मिलती है कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ये यू कनेक्शन है ये सीरियल पोर्ट के लिए तो इन सारी चीज़ों को मतलब कौनसोल के लिए उसको हमें सेलेक्ट नहीं करना है तो हम लोग फास्ट इथरनेट को सेलेक्ट करेंगे ऐसे देखो कनेक्शन हो गया ये ग्रीन है थोड़ी देर इसको टाइम देंगे ये अप हो जाएगा ओके या तो यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं तो कनेक्शन जल्दी अप हो जाता है तो ये सारी चीज़ें हो गई अब आप कहोगे कि अगर हम दो राउटर लेते हैं मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है दो राउटर देखो इस मैं यहाँ पे फोल्डर के पास में गया और 2600 सीरीज का दो राउटर लिया इन दोनों राउटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें यूज करना होता है पर्टिकुलर सीरियल डी केबल ओके तो सीरियल डी केबल यहाँ पे गया मैं और सीरियल जीरो टू सीरियल किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर दिया ओके okay? इस तरीके से अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पोर्ट नंबर और कुछ चीज़ें नहीं दिखा रहे कि कौन सा पोर्ट किस डिवाइस पे किससे कनेक्ट है तो मैं यहाँ पे ऑप्शन पे जाऊँगा प्रेफरेंसेस में जाऊँगा और यहाँ पे ऑलवेज सो पोर्ट लेबल ये कर दिया ओके और इसको क्लोज कर दिया अब देखो पोर्ट नंबर भी दिखाने लगा कि कौन सी डिवाइस किस पोर्ट से किस डिवाइस से कनेक्ट है सो काफ़ी हेल्प होती है इससे कन्फिग्रेशन को करने में अब यहाँ पर बात होती है कि यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया बट आप जब करते हो तो यहाँ पर आपको कनेक्शन नहीं मिलता पोर्ट नहीं मिलता उस कंडीशन में मैं आपको बता दूं जैसे आप जब यहाँ पे जाते हो राउटर सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे आप कोई भी राउटर लिए जैसे मान लिया 2600 सीरीज का मैंने एक राउटर लिया और 2600 सीरीज का दो राउटर लिया अब इन दोनों पे अगर मैं सीरियल केबल डीसी को लगाऊँ तो यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है सीरियल केबल का अब यहाँ पर इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा यहाँ पर रिल, रिलीज बटन है जैसे अभी ये सेलेक्ट था तो यहाँ पर रिलीज बटन है अब मैं इस राउटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा ज़ूम करता हूँ उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे जूम करने के लिए और इसको ऑफ़ करता हूँ ऑफ़ करने के बाद ये फ़िजिकल पोर्ट में ये मिलेगा फ़िजिकल पे उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू आई सी टू टी या जो भी पोर्ट आप यूज़ करना चाहते हो तो डब्ल्यू आई सी टू टी वैन इंटरफेस कार्ड दो सीरियल पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है उसके बाद ऑन कर लेना है ऐसे ही आपको दूसरे राउटर पर भी जाना है और यहाँ पर भी आपको जूम करना है और इसको ऑफ़ कर देना है फिर यहाँ पे डब्ल्यू आई सी टू टी सेलेक्ट करना है ऑन कर लेना है उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज़ करेंगे दोबारा से आप जाएंगे और सीरियल डी सी केबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो दो सीरियल पोर्ट आपको मिल चुका होगा फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ओके कर देना है और यहाँ पे काम आपका डन हो जाएगा अब आप कहेंगे कि यहाँ पर केबल सेलेक्शन भी प्रॉपर हो गया मेरा डिवाइस कैसे ऐड करनी होती है मल्टीपल्स डिवाइस कैसे सेलेक्ट करनी होती है है ना ये सारी चीज़ें हो गई अब कन्फिग्रेशन की जो बात आती है कन्फिग्रेशन ऑलरेडी मैंने भर भर के अपने प्ले लिस्ट एंड कोर्सेस के जो भी सिलेक्शन है सिलेबस है उसमें बताया हुआ है पूरी की पूरी टोपोलॉजी डिजाइन करना प्रोजेक्ट इंटरव्यू सारी चीज़ें मैं वहाँ पे कराता रहता हूँ तो वहाँ से आप सारी चीज़ें ऑलरेडी देख रहे होंगे अब कुछ यहाँ पर बात होती है कि जैसे अगर मैं दो डिवाइसेस जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर थोड़ा सा और एडिशनल चीज़ें मैं बता दूँ जैसे मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ से केबल सिलेक्शन लेना चाहता हो मुझे नहीं पता कि दो के बीच में कौन सी केबल लगेगी तो आप ये जो ऑटोमेटिक केबल है ना इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से यहाँ क्लिक कर दो अपने आप ये उसी केबल को यूज करेगा जो इन दोनों डिवाइसेस के बीच में चाहिए होगी ओके बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल कॉमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट होगा अगली वीडियो में पूरा का पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप कवर होगा कि आपको और भी इसको पैकेट ट्रैकर से रिलेटेड क्या जानकारी चाहिए इतना करने के बाद अब मैं आपको बता दूँ कि दोनों डिवाइसेज पर अगर आई देनी है दोनों कंप्यूटर पर आई देनी है तो भी आप दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल ये नोट पैनल है आप यहां पे क्लिक करके यहां पे जो भी नोट करना चाहते हो डिवाइस के पास नोट कर दो और इधर भी आप यहां पे जो भी नोट करना चाहो नोट कर दो तो मैं यहां पे एक पे टू आई और एक पे थ्री आई दे देता हूं ऐसे मैंने कर दिया यहां पे। अब आपने यहां पे क्या करना होता है कि ये जो है ये लाइन होता है जैसे मान लिया किसी भी मतलब कि ये अपने आप आ जाएगा इस चारों में से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे जैसे इस पर भी क्लिक करोगे तो भी वही खुलेगा तो मान लिया कि लाइन ड्रॉ करनी है इस डिवाइस से इस डिवाइस के बीच में देखो आप ऐसे जिसको भी चाहो वो कर सकते हो फिर यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करने के लिए है फिर यहाँ पे एक स्क्वायर और ऐसे सारी चीज़ें आ जाएंगी अगर चाहते हो कि ये जो भी आप चीज़ें ड्रॉ कर रहे हो वो फिल कलर में आए तो यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ से पर्टिकुलर कलर जो भी चाहिए वो सेलेक्ट करो ओके करो अब आप ड्रॉ करो देखो वो कलर वाइज आ जाएगा प्रोजेक्ट बनाने में इसका काफ़ी हेल्प होगा लास्ट के दो वीडियोज़ में मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है पूरा का पूरा इन सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया हुआ है सारे ऑप्शन को यूज किया है अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो दो पोर्ट मैंने कंप्यूटर पे यूज़ किया हुआ है इन दोनों पे अगर मैं आईपी देता हूँ तो कैसे देना होता है फिर यहाँ पे आपने जाना है और डेस्कटॉप पर जाना है आईपी देना है आईपी देने के बाद जैसे मैं टेन जीरो ज़ीरो टू कर दिया उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है फिर यहाँ पर आईपी देने के बाद आपको दूसरे कंप्यूटर पर जाना है और डेस्कटॉप आईपी और यहाँ पे मान लिया टेन जीरो जीरो थ्री मैंने कर दिया और ये आईपी हो गई अब इन दोनों कंप्यूटर पे डेटा पिंग करना है तो सिंपल कंप्यूटर पे जाओ पिंग कर सकते हो यहाँ से बिल्कुल बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ अगर आप एडिशनल लेवल की जानकारी रखते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की नीड नहीं है तो ये सारी चीज़ें पिंग आ रहा है अगर आप पैकेट सेंड करके देखना चाहते हो तो ये वाला पैकेट जो बंद पैकेट है आपको इस पर सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है फिर आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करो देखो यहाँ पे सक्सेसफुली पैकेट जा चुका है तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी चीज़ों को सेलेक्ट करते हो देखते हो और कंप्लीट आप समझ सो so गाइज़ यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे ये जूम पैनल है आप क्लिक करोगे तो सारे पेज का वो जूम पैनल एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर आप रीसेट कर सकते हो और यहाँ से माइनस कर सकते हो और छोटा हो जाएगा तो ये दो चीज़ें हो जाती हैं फिर यहाँ पर आप देखो तो क्लिक करने के बाद इसको पैकेट ट्रैकर का व्यू आ जाएगा ये भी कर सकते हो आप यहाँ से क्लिक करने पर आपको डिवाइसेस और उनके बीच जो है उनका मॉडल नंबर है पूरी डिटेल मिल जाती है तो फिर आप क्लिक करके वन बाई वन करके देख सकते हैं मेन चीज़ यहाँ पर होती है कनेक्शन कैसे करना होता है कन्फ़िग्रेशन कैसे करना होता है तो पी की कन्फिग्रेशन आपने देख लिया कोई भी डिवाइस कन्फिगर करना है तो उस पर क्लिक करना है उसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा वो मैंने बता रखा है सो so, अगर आप सिस्को पैकेट ट्रैकर्स की जो भी चीज़ों से रिलेटेड ट्रेनिंग चाहते हैं तो कमेंट करके बताएंगे कि और भी क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको सिस्को पैकेट ट्रैकर से रिलेटेड चाहिए सो so, ज़रूर मैं उसका अगले वीडियो में कवर कर दूँगा आप लोगों को कमेंट चाहिए कि किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आप लोग करते रहते हो सिसको में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सो सारी प्रॉब्लम्स का कमेंट बॉक्स में मुझे डिटेल चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँ और इससे रिलेटेड फिर सी की प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच